फसल कैसे गया फूल लेने काटे सारे तोड़ रहा है सारे मुझको शायर कहते मैं तो हूँ राग ये फिर भी मुझको फायर कहते फिक्र में जलता कहते मर जाए अगर तू देख मेरा टाइम आया मुझको सब मुराद अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज समीर खान एंड कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज का दिन थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज नांदेड़ में हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट जो कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 में है तो उनको सपोर्ट करने के वास्ते सदाकत खान उनके जो फ्रेंड उनके हमरा उनके जिगरी यार यहाँ पर नांदेड़ में रिप्रेजेंट होने वाले तो आज उनके वास्ते एक इवेंट रखा वाला है नांदेड़ में डिनर फंक्शन हॉल में तो मैं भी पहुँच गया बिना किसी देरी है। हाँ मुझे पता था सुबह आना था बट 5 बजे का वेन्यू था तो मैंने लगा पहले लेट होने से पहले ज़रा जल्दी चल जाते। जो भी तैयारियाँ हैं नांदेड़ में जो भी बच्चे हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं उसके वास्ते अपन थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट करने के लिए हम पहले आ गए तो अभी मैं बताता हूँ अंदर कैसी तैयारी चल रही क्या नहीं बैनर वगैरह प्रिंट हो रहे बैनर वगैरह लग रहे भी और यहाँ पर भी बैनर वगैरह लग रहे। जब आएंगे तो माहौल कुछ अजीब होगा तो बात करने का आपसे ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं इसलिए मैं सोचा कि ब्लॉक की तैयारी अपन स्टार्ट से कर देंगे तो अंदर आ जाओ अंदर बताता हूँ अंदर अभी तैयारी चल रही। तो ये बैनर प्रिंटिंग का काम चालू है और हमारे मेन इवेंट जो इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर है उनसे मिलाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई तो ये जितना भी इवेंट यहाँ पर नांदेड़ में जो भी इवेंट होते हैं मुनव्वर फारूकी के रिलेटेड ऑनलाइन जितने भी तो ये भाई है इन्होंने पूरा जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है मुनव्वर फारूकी जो ये अभी बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए तो वोट फॉर मुनव्वर। तो मुनव्वर भाई और ट्रॉफी तो डोंगरी ही आएंगी इंशाल्लाह तो उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल ग्राउंड पे नांदेड़ की टीम उतर गई है तो हमारे टीम के सदर हमारे असलम भाई इन्होंने अभी दो कुछ शब्द बोलेंगे आपके लिए और कैसा क्या यहाँ पर प्लान बना कैसा क्या इनके माइंड में वो आइडिया आया वो उनके साथ भी पूछेंगे सदाकत भाई के साथ। तो मैं 2 मिनट आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्या माइंड में चला आपकी कि अपन नांदेड़ में भी ये सारी चीज़ें अपन कर सकते थोड़ा आप जानते ये है कि मुनव्वर भाई जो अभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट है उनके टक्कर में हाउस के अंदर तो कोई अभी अवेलेबल है नहीं बिल्कुल तो डेफिनेटली हम लॉकअप से मुनव्वर भाई को फॉलो करते हैं और हमारे सारे फ्रेंड सर्कल ने ये बोला कि भाई हमें भी नांदेड़ में मुनव्वर भाई के सपोर्ट में एक इवेंट चलानी चाहिए यहाँ से सपोर्ट उनको दिखाना चाहिए जिसके लिए हमने पिछले कुछ इवेंट किए थे जैसे एक ऑटो वाला इवेंट था उसके बाद में क्रिकेट चैंपियनशिप लगाई थी उसके बाद में पॉम्पलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का वो था होटल्स के अंदर पब्लिक प्लेसेस के अंदर मुनव्वर भाई को वोट करने के लिए अपील किया है हमने तो एक स्पिरिट थी मुनव्वर भाई के लिए प्यार था जो नांदेड़ के सारे अभी आप देख ही रहे हो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है सदाकत भाई खुद यहाँ पे आए हैं तो नांदेड़ की जनता जो उन्हें प्यार करती है मुनव्वर भाई को उनको हौसला अफजाई करने के लिए सदाकत भाई खुद आए हैं तो अभी थोड़ी देर में उनका एक प्रोग्राम होगा वो भी आप देखेंगे। बस एक ही बात वोट फॉर मुनव्वर वोट फॉर मुनव्वर और ट्रॉफी का आएंगे भाई लोग डोंगरी आएंगे इंशाल्लाह ट्रॉफी डोंगरी आएंगी और जैसे कि मुनव्वर भाई के दुश्मन बैक टू बैक उनके ऊपर अटैक कर रहे थे और फाइनली हुआ क्या उनका मुनव्वर भाई ने उनको कहाँ तक छोड़ गया है भाई लोग छोड़ गया अभी विक्की भी है विक्की भी जाएगा और डेफिनेटली जो ट्रॉफी है और डोंगरी आएंगी और बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका ये मौका देने के लिए नांदेड़ में और जितने भी भाई लोग यहाँ पर काम कर रहे जितनी भी भाई लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ये खुद उनके खुशी से आए ले बोले तो कोई भी आता किसी के हाथ से कुछ पैसा दे के वास्ते नहीं है ये मुनव्वर भाई आपके लिए प्यार है नांदेड़ की तरफ से ये बहुत सारा प्यार आप कबूल करेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह हमारी दुआ है और हमारी एक ड्रीम भी है कि आप इंशाल्लाह एक दिन नांदेड़ में भी आओ और हमें आपको खिदमत करने का मौका भी दो तो अंदर के भी मैं आपको नज़ारे बताता जब तक इनका काम चलता और इंशाल्लाह कंटिन्यू करो सब लोग भाई लोग। और भाई हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख रियाज है। रियाज भाई तो रियाज भाई जैसे कि आप तो मुझे लगता है कि आप इसके अंदर पहले से हैं तो आपको कितनी खुशी हो रही क्या हो रहा क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? खुशी हो रही देखो नांदेड़ के दूसरे पब्लिक से अपने नांदेड़ के पब्लिक तो बहुत लाइक करी देखो मुनव्वर फारूकी को मेरी चाहे मुनव्वर फारूकी ही जीते चलते मिलते फिर इंशाल्लाह उनके साथ तो इंशाल्लाह बाद में जो बाकी का इवेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई को, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ट्रॉफी तो डोंगी आ चुकी है, बट थोड़ा सा हमें ट्रॉफी को सिर्फ लेके आना है। विनर तो 100% मुनव्वर भाई है, बट मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे आपसे कि फर्स्ट टाइम आप नांदेड़ में, आपका नांदेड़ का एक्सपीरियंस वगैरह क्या था, थोड़ा हमारे भी भाइयों को अगर बताओगे तो बहुत अच्छा होगा भाई। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, और मेरे नांदेड़ आने की दो वजह थी। पहली वजह तो ये कि मनोहर भाई को वोट करवाना था, और दूसरी वजह नांदेड़ खुद था। नांदेड़ ने हम लोग को खुद मेरे को खींचा अपने तरफ, क्योंकि हम लोग डे वन से देख रहे थे कि नांदेड़ में बहुत बड़े बड़े काम हुए भाई के लिए। यहाँ पे एक रिक्शा रैली हुई थी जिसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी, उसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज की गई थी, वो बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। उसके अलावा इनके बहुत बड़े बड़े काम, मैं कितने काम गिनाऊँ, उसमें से एक काम ये भी था कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ 50,000-5,00,000 फ़ोटोज़ बनवाए थे, और वो अलग अलग सिटीज़ में से, जैसे सिटीज़ वाले मेंशन करते थे कि भाई हम ये सिटीज़ में हमको मनोहर भाई के लिए बैनर पोस्टर चाहिए, तो ये लोग यहाँ से बैनर पोस्टर कोरियर करके उन लोगों की सिटीज़ में पहुँचाते थे कि भाई हम आपके साथ में हैं, आप बस मनोहर भाई के लिए काम करो, चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नो डाउट भाई, मुझे तो एनी हाउ नांदेड़ में आना ही था। तो सब में पहला एक्सपीरियंस आपका, जो पहला रिएक्शन बोलते हैं ना, फर्स्ट लुक मीन्स लास्ट लुक, वो वाला सीन। तो जैसा पहले आपने एंट्री किया था नांदेड़ में, कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे, कि क्या पब्लिक का रिएक्शन होगा, क्या आपके माइंड में चल रहा था, कि क्या थॉट्स थे आपके कि ऐसा होगा वैसा होगा या फिर कुछ?
नहीं कुछ खास ऐसे थॉट्स नहीं थे मेरे दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3-4 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, शोज अलग अलग सिटीज़ में हो रहे, सब जगह कुछ ना कुछ प्यार ये वो सब चीज़ देखने को मिल रही है, तो मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं। लेकिन जब मैं इधर पहुंचा ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन का लेवल इतना बढ़ चुका था, जब मैंने यहाँ की ऑडियंस को देखा, मुझे ज़रा भी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर सदाकत आया है। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर मुनव्वर फारूकी आया, लोगों ने इस तरीके से प्यार दिखाया, और नो डाउट मुनव्वर भाई के पीछे दुनिया पागल है, उसमें से नांदेड़ को देखे। बिग बॉस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये था कि भाई पहले स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे वर्ल्ड फेमस है भाई, उसके ऊपर नो डाउट भाई का स्टैंड अप कॉमेडियन अगर बोलूँ ना मैं तो सबसे ऊपर मैं उनको ही रखता। और शेर व शायरी के ऊपर आपके क्या थॉट्स है कि भाई ने जब स्विच किया वो वाला, तो वो मास्टर माइंड बोल सकते हैं अपन उसको, वो चीज़ को बोल सकते भाई मास्टर माइंड। देखो लोग हैं, लोग नाम देते हैं, पहचान देते हैं, लोग जिस तरीके से उनको देखते हैं, कोई लोग शायर बुलाते हैं, कोई कॉमेडियन बुलाता है, कोई मास्टरमाइंड बुलाता है, और मेरा भाई सब है। तो आप क्या बुलाते हो? मैं तो भाई बुलाता हूँ भाई, आई नो नो डाउट है भाई, बहुत सालों से भाई के साथ है, मुनव्वर भाई के साथ है, तो हमसे ज़्यादा भाई को ऑफकोर्स सदाकत भाई जानते हैं। तो भाई की सबसे फेवरेट चीज़ अगर आप अगर जनता को बताना चाहते हो कि कोई ऐसी चीज़ उनको करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो? भाई कुछ नहीं, उनको जनता है उनके लिए सबसे मेन। भाई को शोज़ करना बहुत पसंद है, भाई को जो सबसे ज़्यादा अगर अपनी लाइफ में ज़िंदगी में अजीज चीज़ है तो वो है स्टेज, वो है उनकी जनता। बस भाई की दुनिया और उनकी ज़िंदगी से हर चीज़ चले जाए एक बार वो संभल जाएंगे, लेकिन स्टेज और उनकी जनता उनसे दूर होगी ना, तो वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहेगा। इसके अंदर तो मैं बिल्कुल भी एग्री करूँगा, क्योंकि जब बिग बॉस में 17 में जब वो शो हुआ था स्टैंड अप कॉमेडियन का, उसके बाद में भाई के जो ये थे जो फर्स्ट वर्ड थे कि मैं आज सुकून से सोऊंगा, क्योंकि मैंने आज भाई के वर्ड थे ये, है ना, कि मैं सुकून से सो जाऊंगा क्योंकि मैंने इतने दिनों बाद मैंने सामने जनता देखी शोज़ के ऑडियंस के सामने। और नांदेड़ के रिलेटेड बात करेंगे इंशाल्लाह, अगर इन फ्यूचर अगर चांस मिला आपको तो मुनव्वर भाई नांदेड़ आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। देखो मुनव्वर भाई को लाना कहीं ले जाना हमारे हाथ में नहीं, ये पब्लिक आपके हाथ में, आप लोग प्यार दिखाओगे तो आज आपका प्यार देख के मैं आया हूँ, तो कल आपका प्यार देख के मुनव्वर भाई भी आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थका हुआ हूँ वो हूँ, फिर भी आपने अपना 100% दिया, मैंने भी अपना 100% दिया, तो बस इसको यही ख़त्म करते हैं भाई। आप बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सदाकत भाई ट्रैवल करके आए थे हैदराबाद से, और भाई ने ये वक्त दिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, और नांदेड़ के लिए खासकर जो वक्त दिए भाई ने उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर स्टैंड अप कॉमेडी का अगर शो हो तो हम कोशिश करेंगे कि नांदेड़ में भी हो इंशाल्लाह, और नांदेड़ में भाई को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो नो डाउट कि ट्रॉफी का आएगी, सबको पता है, अब याद चिल्ला नहीं सकता, मैं अंदर से एक्साइटेड हूँ, और इंशाल्लाह ट्रॉफी तो 100% डोंगरी आएगी भाई। और दोस्तों उसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे साथ में एक और शख्स है, अगर मेरे इधर आने में जो कॉन्फिडेंस मेरे में आ पाए ना, तो वो है हमारे असलम भाई। नो डाउट इनने पूरी मेहनत की है नांदेड़ में, और एक बोलते ना नांदेड़ का माहौल बना के रखा, नांदेड़ में एक माहौल क्रिएट कर दिया उनने, लोग मोहब्बत तो करते ही थे, बस उनको एक बोलते ना एक राह दिखाना, एक डायरेक्शन दिखाना कि किस तरीके से तुम सपोर्ट कर सकते हो, तो वो हमारे थे। मैं चाहूँगा भाई कुछ 2-3 शब्द बोले भाई प्लीज। नहीं था मेरे को सवाल, एक मिनट इधर मैं ले सकता मैं तो। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, और असलम भाई का जितना शुक्रिया अदा कम किया जाए उतना कम है, क्योंकि भाई के वजह से सदाकत नहीं नहीं ख़त्म, खुदा की आने वाला था मैं उनके ऊपर, बट मैंने बोला पहले आप गेस्ट हो तो गेस्ट ऑफ ऑनर पहले आपके से शुरुआत की जाए, इसके लिए मैंने वो नहीं किया। तो मैं भाई पे आने वाला था, क्योंकि भाई की वजह से आज सदाकत भाई हमारे बीच में बैठे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मुनव्वर फारूकी सर, अब मैं सर बोलूँगा क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट उनकी हाई हो गया है जब से वो स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने बिग बॉस के अंदर किया भाई पेल दिया सबको, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो भाई को ये बोलना चाहूँगा कि इसके पहले भी हमने भाई से बात की, आपने जितने भी समझो जो भी शोज़ किए तो आपने मुनव्वर फारूकी भाई को समझो अपने भाई को रख के किया है, सोच के किया कि भाई को लाना है इन फ्यूचर, तो आपने को ये सारे स्टेप उठाने पड़ेंगे, या फिर क्या आपका ओपिनियन क्या? सबसे पहले तो आज तक मैंने कभी बिग बॉस, ये 17वां सीज़न है, एक भी सीज़न आज तक देखा नहीं, और इस बार कोई एपिसोड मेरा मिस होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मुनव्वर भाई की वजह से। हम तो रिपीट में भी देख रहे हैं आजकल सभी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सभी देख रहे हैं। तो मुनव्वर भाई के लिए दिल में बहुत मोहब्बत थी, हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल के सारे लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, तो सभी का ये मानना था, नहीं भाई सभी का ये मानना था
कि मनोहर भाई के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें यहाँ पे ऑलरेडी मनोहर भाई का फैंडम बहुत बड़ा है यहाँ पे, बस हमने उसको क्या किया, एक कटर लाने की कोशिश की और उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब होते नज़र आ रहे। तो उसी की वजह से हमने जब काम चालू किया स्टार्टिंग में, तो कुछ दो से चार, चार से आठ, ऐसे एक हमारा ग्रुप बढ़ता गया। तो उसी के तरीके से हमने एक एक से काम चालू किया, पहले फ़ैन क्लब बढ़ता गया और पहले सबसे पहले तो हमने एक ऑटो का इवेंट किया था, जिसके अंदर लोगों ने, ऑटो वालों ने खुद से जाहिर किया कि भाई ये अच्छा बंदा है, हम इसको लाइक करते हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। तो वो खुद आके वहाँ पे एक दो घंटा अपना एक्सपांड किए और वो ऑटो का इवेंट अपना सक्सेस हुआ और वो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो गया वो इवेंट, जहाँ पे थैंक्स अलॉट सदाकत भाई और मनोहर भाई, इनके प्यार के बदौलत वो हमारा उतर गया। आज तक मेरा आईडी का कोई भी वीडियो के में नहीं आया, ये मिलियन में चला गया। और उसके बाद और हमारा जैसा जैसा एपिसोड आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे भाई तकलीफ़ में आने लगे, हमको बहुत बुरा फील हो रहा था, तो हमने उसको और एक्सपांड किया और एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, द इम्पीरेटर मुनव्वर फारूकी क्रिकेट चैम्पियनशिप। उसको भी पब्लिक ने, हमारे यहाँ के फॉलोअर्स ने इतना प्यार दिया कि वो भी सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें भाई के सामने, सदाकत भाई के सामने हाईलाइट भी, और भाई ने खुद से होते हुए हमको बोला कि मुनव्वर भाई के लिए काम करने वाला एक फैंडम यहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे आना चाह रहा हूँ और मैं आने वाला हूँ, आप ऐसा ऐसा अरेंज करो। तो ये आज का मीटअप प्रोग्राम अरेंज हुआ। तो शुक्रिया भाई का, शुक्रिया उनका और सदाकत भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और एक लाइन अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो सदाकत भाई उनके बहुत खास भाई है उनके, तो एक शेर अगर उनके ज़ुबान से हम अगर सुन ले तो फिर आज की शाम के कहीं नहीं क्या होंगे। तो अगर कोई शेर अगर भाई की तो अगर बोलना। भाई देखो शेर वेर तो हमको आता नहीं है, क्योंकि शेर के मुंह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमारे भाई अच्छे शेर बोलते हैं। लेकिन फिर भी भाई की जो लाइन्स है उसकी एक दो लाइन्स बोल दूंगा मैं, कि वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा लश्कर लेके आया था, लोग पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लहजी, तो कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। थैंक यू सो मच सदाकत भाई, और आई होप हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आगे भी ऐसी शोज करेंगे भाई के लिए और इंशाल्लाह स्टैंड अप कॉमेडी के शो भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल। एक दिन वाला नायक नहीं हूं, क्योंकि नफरत का बहाना बन गया हूं, हंसा के कितनों का सहारा बन गया हूं, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूं।